एवरी वन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कौन कौन से ऐसे यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं जिसका एडमिशन सीयूएट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होने वाला है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको मिलने वाला है। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। फिर आपको मैं पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे, एनटीए का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सारी बातें हम लोग यहाँ इस वीडियो में एक एक करके करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोर्सेज देखें, यहाँ पे हेडलाइन भी आप देख रहे हैं, कोर्सेज ऑफर्ड टू एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू सीयूएट। यहाँ पे अगर इन कोर्सेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला कोर्स है हमारा बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सबसे पहले हम लोग यूजी के कोर्सेज की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पीजी के कोर्सेज। सेकंड कोर्स अगर आप देखेंगे बीए ऑनर्स संस्कृत है, उसके बाद बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़ है, उसके बाद आप देखेंगे तो बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीए ऑनर्स हिंदी है, बीए ऑनर्स उर्दू को भी इस बार इन्होंने दे दिया है। पिछली बार टोटल 10 कोर्सेज दिए थे, इस बार यूजी के इन्होंने टोटल 15 कोर्सेज दे दिए हैं। उसके बाद हम लोग बात करें बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज है, बीए ऑनर्स पर्शियन को भी इन्होंने दे रखा है, और बीए ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी लास्ट टाइम भी था, अब भी इन्होंने दे रखा है सीयूएट को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीवॉक सोलर एनर्जी जो कि एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ये भी सीयूएट के थ्रू है। उसके बाद इस साल के लिए यार ये भी कोर्स इन्होंने ऐड कर दिया, जैसे कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है, ये भी इन्होंने सीयूएट को दे दिया है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी इनके पास सीयूएट के पास है, और अगर हम लोग बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की तो यार ये भी इन्होंने सीयूएट को दे दिया है। तो यहाँ पे टोटल 15 ऐसे कोर्सेज हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सीयूएट को दे दिया है, यानी कि ऐसे आप देख सकते हैं टोटल 15 कोर्सेज हैं जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सीयूएट को दे दिया, इनका एडमिशन अब सीयूएट के थ्रू होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं मास्टर्स के कोर्सेज का, पीजी कोर्सेज का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन कोर्सेज में आप एडमिशन कैसे ले पाएंगे। भाई ऑब्वियसली आपका सीयूएट के थ्रू है तब भी आपको एडमिशन तो लेना ही लेना है, तो उसमें एडमिशन कैसे ले पाएंगे, ये मास्टर्स के कुछ 3-4 कोर्सेज हैं, इसके बारे में बात करने के बाद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर आपको एमए पर्शियन में लेना है या फिर एमए संस्कृत में लेना है, एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है, या फिर अगर हम लोग बात करें एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट और यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है एमए पर्शियन, एमए संस्कृत, एमए एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एमए डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, या फिर पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन पीजी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा सीयूएट वाला, सीयूएट के थ्रू आपका एडमिशन मिलेगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। ठीक है, तो एक बार मैं कोर्स लिस्ट दोहरा देता हूँ आपको, आप देख लीजिए ये यूजी के कोर्सेज हैं, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नीचे पीजी के कोर्सेज हैं। अब भाई इन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा कैसे, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनटीए का वेबसाइट विजिट करना है, www.nta.ac.in। यहाँ पे विजिट करके आप फॉर्म फिल करेंगे, मस्ट टेक द सीयूएट एंट्रेंस टेस्ट। आप फॉर्म फिल करने के बाद सीयूएट का आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, ठीक है, वो चीज़ तो आपको देना ही, चूंकि एंट्रेंस टेस्ट सीयूएट का नहीं देंगे तो आपका मेरिट कैसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेपरेट फॉर्म भी फिल करना है, कहाँ से करेंगे, www.jmicoe.in, यहाँ पे जाके जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म भी फिल करेंगे और उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ठीक है, जो एनटीए वाला जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के बाद, तो उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करेंगे, उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया रैंक जब डिसाइड करेगी ना, मेरिट जब बनाएगी, तो आपका वही मार्क्स कंसिडर होगा सीयूएट में, जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके हिसाब से आपका रैंक लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। होपफुली यार सारी चीज़ें क्लियर है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप क्लियरली पूछ सकते हैं। और होपफुली कि सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर है। यूजी पीजी कोर्सेज में आपको मैंने बता दिया, 5 कोर्सेज पीजी के हैं, बाकी 15 कोर्सेज ऐसे यूजी के हैं जिसका एंट्रेंस आपको सीयूएट के थ्रू होने वाला है। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।